रग रग को पहचानती है। पंडित जी, इन सबको आज ही करना है ना। मैंने कहा इनको जल्दी जल्दी करवा दो, ये गा ही नहीं रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं इनकी। चलिए एक नया भजन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, फाइनल कर लीजिए। सर बैठ जाइए, फाइनल कर लीजिए, बैठ ही जाइए। Please don't take me wrong. Somehow I have to. भजन का ना एक अलग सा माहौल है, और भजन के माहौल में वही लोग enjoy करते हैं जो connect होते हैं। तो मैं कभी किसी का नाम लेकर, अगर मेरी intention is not to embarrass you in front of everyone or anything like that. My intention is to make sure कि you are connected for next 2 hours. अगर मैं जयकारा लगाऊं तो ये मेरा कर्म है कि मेरे को आपके मुंह से जय माता दी बुलवाना। आप अपना काम करते रहे, आपने घर से ठान के आया कि मैंने कहना ही नहीं जय माता की, दैट्स फाइन। मैं आपसे कहता रहूंगा जब तक आपके मुंह से मैं सुन न लूं। ब्रांड न्यू भजन है, बिल्कुल ऐसा जैसे आपने सुना ही नहीं कभी। चलिए सेल्फी का टाइम है। आपने सुन रखा है ये भजन, ब्रांड न्यू भजन है। मैं आया आज हम रेगे में गाने वाले हैं उसमें। तूने मुझे बुलाया, मैं आया ओ, तूने मुझे बुलाया जो तमाली, मीठी मीठी ताली दें। मुझे पता है आप सब जो है ना इस याद को कैप्चर करना चाहते हो मोबाइल में। विश्वास जानिए घर जाके आपको ना ये आपने वीडियो देखनी है और ना आपकी हाजिरी यहां लगनी है। मीठी मीठी ताली के साथ जुड़िएगा। देखिए घर तक नहीं है, रेडियो संगम पर ये सारा प्रोग्राम लाइव हो रहा है। आपको घर जाकर रिकॉर्ड करके देखने की जरूरत नहीं है, पूरी फाइल वहां पड़ी है, आप देखिएगा आराम से। फिलहाल आप अपनी हाजिरी लगाएं महामारी के दरबार में। तुमने मुझे बुलाया जो तमाली, मैं आया
सांचे सांचे दरबार की जय। ये कौन प्रेस हुए राम चंद्र देव बेटे जय कारे शरावलीदा बोल सांचे दरबार की। नॉट लाइक पनिशमेंट, वी आर ऑल डूइंग इट फॉर गुड कॉज। बड़ी बच्चे ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाए। ये फ्रंट रो में बैठने का ना बेटा दो तीन बेनिफिट भी होते हैं आपकी हाजिरी है क्योंकि यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू मॉम, यू कैन एसएमएस हर। वो क्या हुआ कि जब भक्तों ने दरबार में आकर जब मोबाइल टेक्नोलॉजी बनी तो आप लोग आते हैं मंदिर में जाते हैं बट माँ की फोटो नहीं लेते अपनी लेते हैं। तो जो भजन लिखने वाले थे उन्होंने उन भक्तों के लिए जी भाभी को बताया उन उन भक्तों के लिए जो महामाई के दरबार में आकर भी अपनी सेल्फी लेते हैं उनके लिए चार लाइनें लिखी। बट प्रमोशन ये है कि आप दरबार में आए हैं तो आज सेल्फी में माँ की तस्वीर आनी चाहिए। मेक श्योर जाने से पहले आप सेल्फी लें तो पीछे माँ हो। आपकी सहेली आए ना आए आपका दोस्त आए ना आए मगर माँ के साथ सेल्फी खिंचवा के आएगा। मैं दर तेरे पे आऊंगा कि मां मैं तेरे दर पे आऊंगा। मैं दर तेरे पे आऊंगा नाल लग के खिंच ले आऊंगा तेरे साथ खड़ा होके मां मैं सारी दुनिया नू जो लगे लगेगी बड़ी कमाल दी मां। एक सेल्फी लेनी है सेल्फी जरूर लें। मेरा नाम राजेश बत्रा है, टैग करना चाहें तो मैं भी फेसबुक पे हूं। सभी जी अमृत जी दोनों चाह रहे थे कि ज्यादा हिंदी भजन करें क्योंकि फिजी के लोग
ज्यादा पंजाबी को समझते हैं, सब आई कैन गारंटी लो सबने सिंगिंग में देखी है, उतनी पंजाबी सबको आती है। हो गई मेरी सफल कमाई, मैनू द्वार बुलाया मां, मेरी कमाई आज सफल हुई है जब तूने अपने दरबार बुलाया। हो गई मेरी सफल कमाई, मैनू द्वार बुलाया, तू सदिया मैं द्वार ते तेरे दौड़ा दौड़ा। कि मां आज मेरी कमाई सफल हुई, अगर मां ना चाहे तो आपके मां के दर्शन के लिए नहीं आ सकते, आपको कोई बहाना मिल जाना था। सभी अमृत जी ने सिर्फ इनवाइट किया है आपको, बुलावा बात है। वो जैसे वो जुड़ी है, जैसे आपकी भावना के साथ आपने अपनी हाजिरी लगानी है। हो गई मेरी सफल कमाई, हो गई मेरी सफल कमाई, मैनू द्वार बुलाया, तू सदिया मैं द्वार ते तेरे दौड़ा दौड़ा। क्यों मैं तेरे बिन रह नहीं सकता,
हर जागरण में भगवान शिव का भजन होना अनिवार्य है। और जहां शिव का नाम आता है, शिव के डमरू का जिक्र जरूर आता है। Thank you.
Can everyone raise their hand, right hand, and do that damru thing? Oh, yeah, just damru vaja de bolya. Oh, yeah, just sabru na cha de bolya. Oh, yeah, just damru. जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। इस तरह आपकी हाजरी मामाई के दरबार में लगती रहेगी। ये जो परिवार है हमारा म्यूजिशियंस का,
एम सो फॉर्चुनेट कि आप पिछले तकरीबन 17 साल से महामाई के दरबार की सेवा कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से हम ये सारा प्रोग्राम आपके लिए महामाई के चरणों में लाते हैं और वो मेहनत आई एम श्योर आपकी तालियों में दिखनी चाहिए इन दोस्तों के लिए जिन्होंने आज आपको इस महामाई के चौकी में सर्वत्र ज्योत रूप में महामाई के दर्शन में हाजिरी लगवाई है। जोरदार तालियां इन म्यूजिशियंस के लिए। We don't have
जी जी सभी जी ने बताया अभी कि राधिका जी ऐसा घर चाहती हैं जिनमें जिसमें माँ का आसन लगा रहे हैं। उनके घर में तो पहले इतना बड़ा आसन है, मगर राधिका जी अपने दोस्तों के लिए भी ऐसा ही घर चाहती हैं। जमाने हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। I think we all know the bhajan. Is that right? Hey Maa, mujhko aisa kar do. ज़्यादातर आता है लोगों को। Hey Maa, mujhko aisa kar do. जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योति जगे दिन रहे तुम्हारी माँ, तुम मंदिर के अंदर हो। भाई आप बैठ जाए जरा प्लीज। हे माँ मुझको जिसमें तुम्हारा ज्योति जगे दिन रैन तुम्हारी माँ, तुम मंदिर के अंदर हो। That's all right. That's it. You continue. Hey Ma, mujhko jisme tumhara mandir ho, jyot jage din rehen tumhari Ma, tum mandir ke andar ho. मुझको तो वरदान दया का।
जब जब मुझे
रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, लाई ले मायने मुझसे रूठी मेरी परछाई, जीना 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 रे उड़ा गुलाब, माई तेरी चूड़िया लहराई। जयकार अक्षरा मलिका बोल साचे दरबार। अच्छा थोड़ी देर के लिए सब ठीक है? सभी जी बोलिए जय माता दी, जय माता दी, सब ठीक है, जय माता दी। बस मामाई के दरबार में सबकी झोलियां भरती हैं, और ये तो परिवार है हमारा, सब साथ साथ। मेरी मैया मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, मैंने कहीं ये भजन गाया, मैंने कहा मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। मेरे भाई सारी रात गाओगे? मैंने कहा नहीं भाई, भाव है भजन के, उनको लगा खाना ही मिलेगा 12 बजे के बाद। मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। मेरी मैया ने, मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का।
देखिए जी 8:30 बजे
तकरीबन 15 मिनट और भजन करेंगे, उसके बाद हाजरियां, लंगर वीरा और फिर आरती की तरफ चलते हैं। हाँ जी, मां का वादा पूरी कर। एक बार जोरदार तालियां रेडियो संगम के लिए। आज इस महामारी की चौकी भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर, और जितनी देर से मैं खड़ा हूं उतनी देर से ही राज भाई खड़े। Oh,
जोरदार तालियां। जितनी बार आपने बाहर जय माता दी बोला उसने उतनी बार अपने मन में जय माता दी बोला। एक बार जोरदार तालियां प्रियंका के लिए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच जी। जिन्होंने जिन्होंने अपनी सेवा इस तरह से की थी पंडित जी ने उनको प्रसाद भी दे दिया। तो प्रियंका यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम जी। नहीं नहीं अभी मन तो भरते ही नहीं, माँ के चरणों में कब मन भरा है।
वो भक्त हैं जिन्हें मां ने बुलाया है। इनविटेशन बच्चों की तरफ से था, बट मां की हजूरी में सिर्फ वो आता है जिसको मां चाहती है। कहते हैं मां ना चाहे तो आप मां के दरबार में नहीं आ सकते, मां का नाम नहीं ले सकते। सबको ये भजन आता है, मिलके गाएंगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। Are we ready for this? चलो बुलावा माता ने, चलो बुलावा आया है, चलो बुला आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे परिवत पे रानी माँ, ऊंचे परिवत पे रानी माँ, ने दरबार लगाया है। जाते हैं, ओ, मैं भी मांग के
हाथ उठाइएगा मामाई के दरबार में और प्रेम से ताली बजाते हुए मामाई के दरबार में सेवा करते हुए बोलेगा, ओए प्रेम से बोलो, ओए रल मिल बोलो, ओए मैंने सुनिया मेरी मां ने सुनिया, ओए जय 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 जय, ओए मामा मामा, ओए जय माता दी, ओए जय माता दी, ओए जय माता दी, ओए जय माता दी, जयकारा श्री वालिदा बोल साचे दरबार। आइए मामाई के दरबार में हाजरियां लगाते हैं, फिर बजरंग बली को याद करते हुए आरती की तरफ। मामाई वैष्णो देवी माँ जगदम्बे कई रूप में जानी जाती है, तो तीन हाजरियां हैं मामाई के दरबार में कि आज आप मामाई के दरबार में आए। आज जसमीत अंदर आओ प्लीज, जगह है आपके लिए, इन्हें बिठा लो। अगर आप नहीं भी जानते ना, ये बड़े अच्छे भक्त हैं, थोड़ा लेट आए हैं बट ठीक। तीन हाजरियां हैं मामाई के दरबार में। हाजरी में आपका नाम बुलाया जा रहा है भाव के रूप में, और आपने अपनी हाजरी लगानी है अपनी जुबान से मां का नाम लेकर। मैंने कहना है हाजरियां परवान करो मां हाजरियां, ये आपकी लाइन है कि मां मैं आज आपके दरबार में आई हूं, आया हूं, मेरी हाजरी परवान करें, मेरी हाजरी अपने हजूर में स्वीकार करें। हाजरिया बचपन से लेके आज तक जब भी आपका नाम लिया गया है स्कूल में, आपने हाथ ऊपर करके अपनी हाजिरी लगाई है ताली के साथ। तीन हाजरियां रहेंगी, जुड़िएगा, और जिसकी हाजिरी ना आई राज भाई ने क्रॉप करके आपका फ्रेम आपको फोटो भेज देनी है, स्टिल वाली वीडियोस बन रही है इस वक्त, लाइव है, आप अपने सर्कल में जाने जा रहे हैं, आप कितने रिलीजियस हैं। हाजरिया हाजरिया परवान करो मां हाजरिया, हाजरिया हाजरिया परवान करो मां हाजरिया, ए बप सल्ला मात मात आई जाते वाली रा, ए बप सल्ला। देखिए मामाई के दरबार में तीन हाजरियां हैं, स्ट्रेचर राम हाजरिया हाजरिया परवान करो मां हाजरिया, हाजरिया हाजरिया परवान करो मां हाजरिया, ए बप सल्ला मात मात आई जाके वाली ना, ए बप सल्ला मात मात आई जाके वाली ना, हाजरिया हाजरिया परवान करो मां हाजरिया। ब्रह्मा हाजिर विष्णु हाजिर मामाई के आज इस चौकी में, ब्रह्मा हाजिर विष्णु हाजिर नीलकंठ त्रिपुरारी, नीलकंठ त्रिपुरारी त्रेता विच श्री राम पधारे, द्वाप कृष्ण मुरारी, होए जोता वालिए होए मंदना वालिए, परवान करो मां हाजरिया, हाजरिया
हाजरियां आपने गाना है। हाजरियां हाजरियां परवान करो मां, हाजरियां तीसरी हाजरी में सब भक्त मां से ये कह रहे हैं कि मां आज इस भजन संध्या में, इस चौकी में, हमारे आने में, हमारे बोलने में, भावना में कहीं गलती हो गई होगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, माफी मांगिएगा अपनी उस चूक की जो जाने अनजाने में हमने आज कर दी है, शब्दों के बोलने में, भावना में कहीं। मैं हां पुलन हार पवानी, पुल चूक माफ करनी। मां ये बच्चे भटके हुए भूलन हारी, भूल चूक माफ करनी। मैं हां पुलन हार पवानी, भूल चूक माफ करनी। शरणाए शरणागत दीना, बाफड़ ला ले चलनी। कि मां तेरी शरण में जो आ गए हैं आज, उन सब भक्तों को अपनी शरण में, अपने चरणों में जगह दो। हाजरियां हाजरियां परवान करो मां, मेरे पीछे पीछे लाइन रिपीट कीजिएगा। मैं हां पुलन हार पवानी, पुल चूक माफ करनी। मैं हां पुलन हार पवानी, पुल चूक माफ करनी। शरणाए शरणागत दीना, बाफड़ ला ले चरनी। होए गुफा वालिए, होए शेरा वालिए, हो शेरा वालिए, हो गुफा वालिए। होन वाली पर बात मात आई, जाके वाली रात है। होन वाली पर बात मात आई, जाके वाली रात। हाजरियां हाजरियां परवान करो मां, हाजरियां बजरंग बली, जो भक्तों में परम भक्त माने जाते हैं, उनको गुजारिश करते हैं बजरंग बली का नाम लेना हर चौकी, हर भजन संध्या में अनिवार्य है। उनसे निवेदन कर रहे हैं कि उन सब देवी देवताओं को भगवान स्वरूप, भगवान स्वयं बजरंग बली खुद लाएं हमारे जगराते में, और हमारे आई हुई संगत का उपकार करें। परिवार ने सेवा ली है, ऐसे भाव हैं। लंगर वीरा वे वीरा, माई दया वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, माई दया। मैंने लाइन अपनी गानी आपने रिपीट करना उसको पीछे। आओ आओ पवन कुमार हमारे जगराते में, आओ पवन कुमार, आओ अंजनी कुमार हमारे जगराते में, आओ आप भी आओ। संत राम जी को लाओ, राम जी को लाओ, सीता मैया जी को लाओ। होगी जय जयकार, अजी होगी जय जयकार हमारे जगराते में। लंगर आप भी आओ, संग शिव जी को लाओ, शिव जी को लाओ, कोरा मैया जी को लाओ। सब का करो उद्धार, अजी सब का करो उद्धार हमारे जगराते में। लंगर वीरा रे वीरा, मई रे अमीरा, लंगर वीरा रे वीरा, मई रे। आप भी आओ, संग विष्णु जी को लाओ,
लक्ष्मी जी को लाओ, माता लक्ष्मी जी को लाओ, करो करो जी उपकार, करो करो जी उपकार, हमारे जगराते में लंगर वीरा वे वीरा, माई दे वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वीरा, माई दे वीरा, आप भी आओ संग ब्रह्मा जी को लाओ, ब्रह्मा जी को लाओ, ब्रह्माणी जी को लाओ, हमारे जगराते में लंगर वीरा में वीरा, माई दे वीरा में वीरा, लंगर वीरा में वीरा, माई दे वीरा में वीरा, अन्निदा तू पुत्र कहाँ में माता दया वजीरा, लंगर वीरा में वीरा, माई दे लंगर वीरा में वीरा, माई दे आइएगा संत कृष्ण जी को लाओ, आप भी आओ संत कृष्ण जी को लाओ, कृष्ण जी को लाओ, संत राधा जी को लाओ, कृष्ण जी को लाओ, संत राधा जी को लाओ, कृष्ण जी को लाओ, संत राधा जी को लाओ। और जहां राधा कृष्ण दोनों आ जाते हैं वहां नाचे कुल संसार, आज नाचे कुल संसार, हमारे जगराते में लंगर वीरा में वीरा, माई दे वीरा में वीरा, लंगर वीरा में वीरा, माई दे वीरा में वीरा, अंजनी दादू पुत्र कहां में माता दया वजीरा, लंगर वीरा में वीरा, माई दे वीरा में वीरा, लंगर वीरा में वीरा, माई दे वीरा में वीरा, बोल साचे दरबार की जय। आप आइए प्लीज, तीनों निकल के आइए बाहर, आइए आइए अनुराग प्लीज, संजय इधर आइए जरा प्लीज, आइए आइए, पनिशमेंट नहीं है, ये अवार्ड है आपकी मेहनत का, आइए प्लीज, ये हमारी टीम है जी, संजेश जोरदार तालियों के साथ, अनुराग जी और प्रणोल रे जी, हमारे जाने अनजाने में हमारी तरफ से कहीं आज की चौकी में भूल हुई तो माफ कीजिएगा। जयकारे श्री राम लीला बोल साचे दरबार की, पंडित नारायण भट्ट जी। आनंद आया ना, मजा आया, एक बार बढ़िया ताली बजाएं। राजेश जी, सावित्री जी, माँ जी बहुत भक्त हैं, आप जानते हैं इस चीज को, और मुझे ये विश्वास है कि इनकी भक्ति के कारण ही ये संभव हो पाए कि आप मिल पाए हैं, और दोनों आप दोनों ही माँ के बड़े पक्के भक्त हैं, परम भक्त हैं, उसमें कोई शंका नहीं है, और आप दोनों को बहुत दिनों से जानता हूं मैं, जिस श्रद्धा जिस भक्ति से आप लोग माँ की आराधना करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, ये पिछले एक हफ्ते से तैयारी कर रही हैं पूजा इत्यादि की, इसी तरह से आप भी इनको रिहर्सल के लिए इसके लिए समय दे करके, मैं जानता हूँ कितना कठिन होता है, लेकिन इन सब कुछ के चलते जो आप लोगों के मन में माँ के प्रति जो अगाध प्रेम है, अगाध श्रद्धा है, माँ खूब खूब कृपा बनाए रखें, अन्न धन और ज्ञान इनकी कभी आप लोगों के अंदर कमी न रहे, ये हम आशीर्वाद माँ से प्रार्थना करते हैं आप और आपके परिवार के लिए और आपकी पूरी मंडली के लिए, मंडली के लिए। तो बेजोड़ गाया आप लोगों ने, बेजोड़ गाया, और मैं आप लोगों की नहीं जानता लेकिन मैं अगले 5 घंटे बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट एंड लिसन, तो कोई इसमें कोई शंका नहीं है, रस प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए
आपने हमारी वाणी को विश्राम दिया है, तो बाकी हम लोग आरती का कार्यक्रम करेंगे और आरती के बाद में फिर महाप्रसाद भोजन होगा। भोजन करके ही आप सब यहाँ से जाएंगे, प्रसाद यहाँ से लेकर के जाएंगे। यदि आपने बड़ी चुनरी चढ़ाई तो बड़ी चुनरी चढ़ा करके जाएंगे। हम फिर से मां से प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा तीसरे साल की बात ये हो रहा है, तीन या चार साल पहले इसी जगह पर मां जागरण हुआ था और आज पुनः ये मौका प्राप्त हुआ है। तो मां से प्रार्थना करते हैं कि बार बार, और ये सात बार हो गया है, तो माता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सावित्री जी एक ऐसा व्यक्तित्व तो है जो जहां जरूरत पड़ती वहां से सीखती है और उसको अप्रिशिएट करती हैं, और यही जीवन में होना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए पूरा जीवन भरा पड़ा हुआ है। हमको प्रतिपल सीखना है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पै, जो जितनी गहरी गहरा गोता लगाता है उसको उतने ही मोती मिला करते हैं। किनारे बैठे रहोगे कुछ नहा आएगा, लेकिन गोता लगाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और माँ के प्रति जो हमारा स्नेह है उसका फल आज ये हुआ कि लोगों के मुखारविंद से माँ का बड़ा सुंदर संकीर्तन यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। ये जगह भी धन्य है, पवित्र स्थान है। और एक अपील भी है, वैसे हमको किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये अपना स्थान है आपका, आर्य समाज मंदिर है, इसको भी लुक आफ्टर करें। तन मन धन जो भी बनता है, देखिए हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, आ जाते हैं, $500,000 यूं ही खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता है। 500,000 यदि आप इस संस्था को देंगे तो वो आज नहीं आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहेगा। तो ये बात समझ करके चैरिटी करते रहिए, दान देते रहिए। आपसे कोई दान मांग नहीं रहे हैं, एक प्रेरणा है, वही आदिशक्ति है, लक्ष्मी स्वरूप है, सरस्वती स्वरूप है, और उसके द्वारा ही हमें सब कुछ मिलता है। संकल्प करें कि साल में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें इस स्थान के लिए भी। देखिए पहले हम आए थे इस स्थान में, इतनी सुविधा नहीं थी, आज तीन साल के बाद आए हैं तो इस स्थान में अन्य और भी सुविधा हो गई। ये सब संस्था आपके लिए काम करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम आरती करते हैं मेरे तीन, और सावित्री जी दो चार शब्द आपसे कहना चाहती हैं। धन्यवाद पंडित जी। मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत भावुक हो जाऊंगी। आप लोग को मैंने बुलाया, माँ ने बुलाया, ये कुछ मैंने नहीं किया, ये सब माँ ने किया। और ये जो कुछ हुआ ना, ये मैं अकेली नहीं की, माँ के भक्तों ने किया है। सुबह से 4 बजे से कितने लोग उठकर आए हैं, अपने घर 4 बजे उठे ताकि यहाँ समय पर आ जाए। मैं माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी जो शक्ति की ज्योत है आप सभी के घर में हमेशा चलती रहे, आप सबके हर दुख को दूर करे वो। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सब माँ के भक्त हैं, इसलिए आप यहाँ आए। पंडित जी, मैं 30 साल से पंडित जी को जानती हूँ और वो हमें बहुत सहयोग दिए हर एक कार्यक्रम में। थैंक यू पंडित जी। और भाई साहब, मुझे तो मन ही नहीं करता कि मैं भक्त कर दूँ यहाँ पर, मुझे तो मन करता मैं सुनती रहूँ। आपने हम माता की सेवा की, हमारे प्रार्थना सुनकर आप सब परिवार यहाँ आए, अपने ग्रुप को लेकर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने आज का जो चौकी है बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो सभी के लिए आप जोरदार से तालियां बजा देंगे। और मैं क्या करूं, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो थैंक यू भी नहीं बोल सकती, वो माँ की कृपा है। आप लोग धीरे से खड़े होने का प्रयास करें।
सावित्री जी का परिवार आ जाए और उसके बाद जो जिन्होंने संकल्प लिया है, संकल्प लेकर के पूजा की है, वो लोग आरती करेंगे। तो आप सबको दर्शन मिल जाएगा, आरती लेने का मौका मिलेगा। लेकिन आरती केवल है या जो संकल्प लेकर के बैठे होते हैं, ठीक है।
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि जगदम्बिकाय इति समर्पयामि सदाशिवाय इति समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमे अब आप लोग अपने स्थान से आरती लीजिए। जब तक आप लोग आरती ले रहे हैं है? क्या आरती सबने कर ली है? अब सबको आरती लेने के लिए लीजिएगा। शोभना जी एक भजन एक भेंट माँ को अर्पण करेंगे जब तक आप आरती ले रहे हैं। जिन लोगों ने नारियल और प्रसाद चढ़ाया है वो आते रहे लाइन से और यहाँ से प्रसाद ले लें। अच्छा भोजन के बाद आप ले लेना, भोजन के बाद आप लेना, अभी ठीक है। सावित्री जी आपकी सेवा करेंगे जब आप जाएंगे उससे पहले। अब इसके बाद में चरणामृत और प्रसाद सबसे पहले दें और फिर मंडली वालों को भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था करें। एक प्रसाद भोजन एक साथ ही रहेगा और ब्राह्मण की सेवा भी होनी चाहिए। इसी बात आरती लेते रहे और भजन का आनंद ले शांति पाठ करते हैं। इसके बाद देवी मैया
ले लीजिए और हम मां से प्रार्थना करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं। तुमने बुलाया, हमारी पुकार सुन करके आप सब देवी देवता यहाँ पधारे। मां से प्रार्थना करें, हम बालक हैं, आप जगत जननी हैं, बच्चे अपराध करते ही हैं, लेकिन मां हमेशा क्षमा करती है। ऐसी जगत जननी आप हमें क्षमा करें। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, नमन्त्रम नो यन्त्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने स्तवपनम्, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परम जाने मातः त्वदनु शरणम् क्लेशहरणम्। हे मां, हम मंत्र नहीं जानते, क्रिया नहीं जानते, पूजन नहीं जानते, भक्ति कैसे करनी वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा माँ के सामने रो देता है, बस रो करके सब कुछ अपनी कहानी कह देता है, उसी तरह से हम अज्ञानी जीव आपके समक्ष वाणी के द्वारा जो कुछ शब्द बन पाए, वांग्मयी जो सेवा हुई है, इसे स्वीकार करें। आज का जो सत्संग है, आज का जो भजन का कार्यक्रम है, यही समाप्त हो रहा है, इसलिए भाव भरी विदाई आपसे लेना चाहते हैं। पुनः हम याद करेंगे, कृपा करके पधारिएगा। गणों के सहित अब आप अपने स्थान में प्रस्थान करें, देवी देवताओं के सहित। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति ही पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितम् अविहितम् वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। बोलिए जगदम्बे माता की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आदिशक्ति महा
माँ काली देवी की, भैरवनाथ की जय। फूल चढ़ा दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिएगा। अब चरणामृत ले, अकाल अमृत हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री भगवती पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। राम कहे कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे प्रीत लगाए, सियावर रामचंद्र पद गुरु शरणम। अब चरणामृत प्रसाद लीजिए और आज की धार्मिक सभा यही समाप्त होती है। जयकारा शेरावाली का बोल साथी।